गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। 13 इज न्यूट्रिशनल फैक्ट। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल फैक्ट के बारे में। इसमें हमें ये जानना है क्योंकि हम लोग क्या पूरे वर्ल्ड में हर चीज़ के बारे में जानते हैं लेकिन बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं कि किससे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम इन न्यूट्रिशनल फैक्ट में कुछ नए थिंग्स के बारे में सीखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो चैप्टर देखिए, देयर इज सो मच टू नो अबाउट एवरीथिंग। हम क्या है, बहुत अच्छा पूरे चीज़ के एवरीथिंग के बारे में, मतलब हर चीज़ के बारे में जानते हैं जो पूरे वर्ल्ड में, दैट वी कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। तो हमें क्या करना है, अब उसके द्वारा हमारे लाइफ में क्या नई चीज़ें आई हैं उसके बारे में हम उसको लर्निंग मतलब सीखेंगे और अपने पास में रखेंगे। तो हियर यू गेट अ हैंडफुल ऑफ फैक्ट अबाउट न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के जो तत्व हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। तो ट्रू फॉल्स है आपको बताना है। सॉल्ट आल्सो यील्ड गुड अमाउंट ऑफ विटामिन्स एवरी डे टू द बॉडी। सॉल्ट जो नमक होता है वो हमारी बॉडी में, ठीक है, हर एक दिन पर एक सही अमाउंट की पैदा, मतलब एक सही अमाउंट होना चाहिए। अब किसके लिए, विटामिन्स के लिए पे, तो वो सही है या गलत, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो विटामिन्स नहीं है हमारा। ठीक है, तो क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, क्या होगा हमारा, फॉल्स। फिर सेकंड देखिए, 1 ग्राम ऑफ फैट गिव 9.0 के कैलोरी ऑफ एनर्जी टू द बॉडी। 1 ग्राम फैट जो हमें देता है हमारी बॉडी को एनर्जी, वो भी कितना, 9.0 के कैलोरी। तो क्या ये सही है, तो क्या होगा आपका, ट्रू। फिर थर्ड देखिए, अ नॉर्मल पर्सन शुड टेक अबाउट 200 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एवरीडे। एक नॉर्मल व्यक्ति 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हर एक दिन पर उसे लेना चाहिए। तो ये सही है गलत, तो क्या होगा, सही यानी ट्रू। फिर फोर्थ देखिए, अ सेडेंट्री वर्कर से अ क्लर्क रिक्वायर्ड 2700 के कैलोरी ऑफ एनर्जी एवरी डे। जो सेडेंट्री वर्कर होता है, जो काम करने वाला होता है, जैसे हम कह सकते हैं क्लर्क जो होते हैं, ठीक है, उसकी आवश्यकता होती है हर एक दिन पे एनर्जी की कितनी, 2700 कैलोरी। क्या ये सही है, तो क्या है ये, फॉल्स। फाइव देखें, एन एक्टिव वर्कर रिक्वायर अबाउट 3500 की कैलोरी ऑफ एनर्जी एवरीडे। जो एक एक्टिव यानी जो काम करने में तेज होता है, जो हमेशा एक्टिव बना रहता है, ठीक है, उसकी आवश्यकता होती है हर एक दिन की एनर्जी के बारे में कितना, 3500 के कैलोरी। क्या ये सही है, तो क्या होगा आपका, ट्रू। सिक्स नंबर देखें, 8 आवर ऑफ फिजिकल लेबर कंज्यूम अबाउट 1900 के कैलोरी ऑफ एनर्जी। 8 घंटे एक फिजिकल लेबर जो होता है वो कंज्यूम करता है 1900 कैलोरी एनर्जी। क्या ये सही है, तो क्या है, ट्रू। वी रिक्वायर नो एनर्जी वाइल स्लीपिंग। हमें सोते समय में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, तो क्या होगा आपका, फॉल्स। नेक्स्ट, यू विल एक्सहॉस्ट 600 की कैलोरी ऑफ एनर्जी इफ़ यू सिट एट रेस्ट फॉर 6 आवर्स। देखिए, जैसे एक जब कोई कंपनियां होती ना, तो उसमें से एक गैस टाइप का कुछ निकलता है, जब हम वर्क करते हैं वाहन के द्वारा से इधर उधर जाते हैं तो गैस टाइप का निकलता है। तो इसमें क्या है, 600 कैलोरी जो एनर्जी होती है वो उस वर्क को करने पे, मतलब उस तरीके काम जब होता उसमें, या अगर हम एक जगह जब बैठ जाते 6 घंटे के लिए, तो इतनी कैलोरी एनर्जी हमारी होगी, इतनी कैलोरी एनर्जी होनी चाहिए या होगी आपकी। तो इसका क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, तो ये क्या होगा आपका, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यील्ड 4.0 की कैलोरी ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी। आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक ग्राम में कितनी, 4.0 की कैलोरी एनर्जी की पैदावार होती है 1 ग्राम में। तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, वो होगा आपका क्या, ट्रू। 10. 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन यील्ड 5.0 के कैलोरी ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी।
एक ग्राम में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 5.0 की कैलोरी एनर्जी पूरी बॉडी मतलब आपकी वो हमारी बॉडी में 5.0 की कैलोरी पैदावार करती है। तो ये सही है या गलत, तो ये आपका क्या होगा, ट्रू। 11 नंबर, अ नॉर्मल पर्सन रिक्वायर अबाउट 70 जी ऑफ प्रोटीन इन हिज एवरीडे मील्स। एक नॉर्मल पर्सन की जो हर एक दिन में जो मील्स वो खाते हैं तो उसमें 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो सही है या गलत, तो ये क्या है आपका, फॉल्स। वी शुड टेक 5 to 15 ग्राम ऑफ आयरन एफी एवरीडे। आप क्या है मतलब हमें 5 से 15 ग्राम तक का आयरन हर एक दिन लेना चाहिए। तो ट्रू होगा कि फॉल्स, ये क्या है आपका, फॉल्स। नंबर, आवर बॉडी रिक्वायर 4 g ऑफ पोटेशियम एंड 1 g ऑफ कैल्शियम डेली। हमारी बॉडी की आवश्यकता होती है 4 ग्राम पोटेशियम की और 1 ग्राम कैल्शियम की रोज। तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, क्या होगा, ट्रू। 14 नंबर, विटामिन्स आर नॉट एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एज दे यील्ड नो एनर्जी। जो विटामिन्स है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये क्या है आपका, फॉल्स है। फिर 15 नंबर, एन एवरीडे इनटेक ऑफ 75 mg ऑफ विट सी कीप्स आवर हेयर एंड स्किन हेल्थी। हमारे हर एक दिन पर 75 mg ऑफ विटामिन्स, ठीक है, वो हमारे हेयर के लिए और स्किन के लिए हेल्थी हेल्थी होती है कि नहीं। तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, क्या होगा आपका, ट्रू। तो बेटा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आपको जैसे दिया हुआ है वैसे आपको अपनी कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू।